बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे से दोस्तों, आज की जो अपडेट है बहुत 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 ख़ास है, ख़ास तौर पे इंडियंस के लिए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हर बार करता हूँ और इस बार भी मैं लाजमी करूँगा अपने प्यारे से भाइयों से, कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचे जो हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल वगैरह करते हैं कि ये बात हमें आप बताएं। तो आप लोगों के लिए एक स्केड्यूल जारी हो चुका है, तो वो स्केड्यूल आप लोगों ने कहां से डाउनलोड करना है वो आप लोगों ने साथ में लेके जाना है, ताकि आपके लिए कोई भी एयरपोर्ट पर किसी किस्म की कोई परेशानी की बात ना बने। तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ होने वाली है। एक बात आप लोगों से बोलता चलूँ यार, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया उन लोगों को जो मेरे भाइयों ने इतना प्यार दिया मुझे और मेरा चैनल चलाने में आप लोगों ने हेल्प की है। आप लोगों की वजह से यकीन मानो सब कुछ हो रहा है। आप लोगों की वजह से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं या जो भी होता है आप लोगों की वजह से मिलते हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखते या वीडियो को लाइक नहीं करते तो ये आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो भी मेरा भाई वीडियोस देख रहा है उनके लिए दिल से शुक्रिया मैं बोलता हूँ। तो जो स्केड्यूल आया है वो आप लोगों के सामने मैं लेके आने वाला हूँ। स्केड्यूल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है और आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ से ये डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये बात उनके लिए हैं जो इंडियंस के वीज़े एक्सपायर हुए हुए हैं और वो वापस नहीं जाना चाहते, यानी वापस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। तो आपकी स्क्रीन पे एक स्केड्यूल चल गया होगा, इंडियन सिटीजन्स हु हैव यूएई वायलेट रेजिडेंट वीज़ा, जो वायलेट वीज़ा रेजिडेंट वीज़ा रखते हैं और एक्टिव है ICA की आप वेबसाइट पर चेक करते हैं, आपको वो एक्टिव शो करवा रहा है। फिर एक बार सुन लीजिए, अगर आपका वीज़ा रेजिडेंट है, विजिट वीज़े की अभी बात नहीं मैं कर रहा, मैं अभी रेजिडेंट वीज़े की बात कर रहा हूँ, अगर आपका वीज़ा आपके पास इकामे वाला है तो आपको ICA की आप एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाते हो और आपको वो एक्टिव बता रहा है, तो आप लोग जा सकते हो दुबई एयरपोर्ट पे विदाउट एनी अप्रूवल। आपकी स्क्रीन पे स्केड्यूल मैं चला रहा हूँ, अपने पास से नहीं बोल रहा, ताकि कोई मेरे जो दोस्त हैं ऐसे ना बोले कि अपने पास से बोल रहा है। अपने पास से हम कोई चीज़ भी नहीं बोलते जब तक कि हमें पक्का यकीन ना हो जाए कि ये बात 100% हकीकत है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आप एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई, आप एमिरेट्स एयरलाइन की अगर टिकट लेते हो तो फिर भी आप जा सकते हो बगैर अप्रूवल के। ये इंडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सारे फिर ये बोलते कि आपने तो ये बोला था तो ये तो बात ही गलत है, ये हमें तो बताया ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो स्केड्यूल जारी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हुआ है कि वो एमिरेट्स पे जा सकते हैं और उसके बाद जो फ्लाई दुबई है उस पर बग़ैर अप्रूवल के आप किसी भी टाइम जा सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने जो PCR का टेस्ट है, कोरोना का टेस्ट है, वो आप लोगों के पास 96 घंटे से ज़्यादा ना हो, यानी 96 घंटे से कम का है, टाइम उसका कम है, तो आप लोग सफ़र कर सकते हो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी परेशानी के। आप लोगों को एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं रोकेगा। अब मैं बात करता हूँ ये स्केड्यूल आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है। आप लोग यहीं से एक इसकी जो पिक्चर निकाल लें या एक वेबसाइट आप लोगों को बता देता हूँ, www.todayjob786.com, उस वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ से डाउनलोड करना है तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, नहीं तो यही मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टॉप करें और स्क्रीनशॉट आप लेके ये अपने पास रख लें, ताकि कोई भी एयरपोर्ट पे परेशानी आपको बनती है तो आप उनको ये दिखाएं कि भाई एमिरेट्स वालों से बात करो या फ्लाई दुबई वालों से बात करो, जिसकी भी आप टिकट लोगे उससे जाके उनको बोलना है कि बात करो, हम स्केड्यूल ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। बाकी जो भी सारा मसला होगा वो खुद ही एयरलाइन वाले हल कर लेंगे, आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।